हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आपकी जो कमेंट्स आए हैं हमारी वीडियोस में उनका आंसर देने वाला हूँ। तो अगर आपने भी कोई कमेंट किया हुआ था तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपने कोई भी कमेंट नहीं किया हुआ है तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछे हैं आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके जो स्टडी सेंटर हैं उनसे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो आप क्या है, आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उस कमेंट का आंसर जो है मैं कल जो है उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा कल के दिन में आपके लिए, कल सुबह। तो चलिए, जो आज के कमेंट्स हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं और उनका जो आंसर है वो आप सभी लोगों को मैं देता हूँ। तो सबसे पहले जो कमेंट्स हैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो रेनू पांडे हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हिंदी एंड संस्कृत पे भी वीडियो बना देना प्लीज़। तो ठीक है मिस रेनू पांडे, जो आपके लिए मैं जो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है और जो आपका संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट है उनका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, कोशिश करूँगा कि उनको जो है सॉल्व करके आपके लिए लेके आऊँ, और अगर सॉल्व करके नहीं ले कि आ पाया तो आपके लिए मैं जो उनका क्वेश्चन पेपर है वो लेके आ जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है यूट्यूब चैनल पे बने रहना है, और जो भी आपके और सब्जेक्ट हैं मिस रेनू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं, मैं उनका जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व करके ज़रूर लेके आऊँगा। उसके बाद जो है सेम जो कमेंट आया हुआ है दूसरा इन्हीं का है सेम उसी प्रकार से। उसके बाद एक कमेंट आया हुआ है पवन के नाम से, ये पवन है, इन्होंने एक कमेंट किया हुआ है, सर BA फर्स्ट ईयर में हिंदी का असाइनमेंट नहीं हो रहा। तो अभी मैं आपको बता दूं मिस्टर पवन कि जो आपके असाइनमेंट हैं वो स्टार्ट तो होना शुरू हो चुके हैं, बट जब भी हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको जो है वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस शो हो रही है, और नीचे आपको जो है असाइनमेंट के लिंक शो हो रहे हैं आपके रिजल्ट के, आपके बैक एग्ज़ाम के। तो अभी जो है थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। तो आपको क्या करना है मिस्टर पवन, आपको जो है कुछ दिनों तक वेट करना है, और अभी जो है असाइनमेंट का जो डेट है वो जुलाई लास्ट तक है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, और वेट करोगे तो आपको अभी जो है कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना है कि अगर आप असाइनमेंट दे रहे हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स के जो है कमेंट भी आए थे कि जो उनका असाइनमेंट है वो ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट हो चुका है, और दोनों अटेम्प्ट जो है उन्होंने जो है दे दिए थे। तो अब मैं आपको उनका जो कमेंट है उनका भी आंसर दूंगा आगे। और उसके बाद जो इसी में जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है वो आया हुआ है शुभम का रावत, इनका कमेंट आया हुआ है MSC MT 21 का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं मिस्टर शुभम रावत की जो अभी आपके जो UOU की जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, बट अभी जो है इशू हो रहा है जब हम जो रिजल्ट का जो पेज है उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है नेटवर्क इशू शो हो रहा है। तो आपको जो है थोड़ी देर वेट करना है जब तक UOU की जो वेबसाइट है वो सही तरीके से जो है वो चलना स्टार्ट ना कर दे। तो आपको जो है थोड़ा वेट करना होगा, और जो है कुछ ही दिनों में जो है वेबसाइट चालू हो जाएगी दोबारा से। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है वो आया है आशीष नेगी का, तो इन्होंने कमेंट किया है कि सर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ असाइनमेंट देते हुए प्लीज़। तो आशीष नेगी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है एक वीडियो बना पाऊँ जब मैं असाइनमेंट दूँ। तो अभी मैं ट्राई करूँगा मंडे, और जब भी जो है UOU की जो वेबसाइट है वो चलने जो है अच्छी तरह से चलने लग जाएगी तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना है, और मैं उस वीडियो में जो है आपको जो क्वेश्चंस आते हैं जो आए हैं
वो क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाऊंगा, और जो है आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो सही से चलनी शुरू ना हो जाए, ठीक है मिस्टर आशीष नेगी। उसी के बाद इसमें जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है वो आया है स्वाति जी का। तो स्वाति जी ने कमेंट किया हुआ है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड करने के बाद रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी लो ही गई थी, रिजल्ट कैसे चेक करें। तो मैं आपको बता दूं मिस स्वाति की जो अभी आपका जो UoU की जो वेबसाइट है वो अभी जो है अंडर मेंटेनेंस है। अगर आप जो है जो असाइनमेंट है वो देने जाएंगे तो आपको जो है ये इशू होंगे, आपको ग्लिचेस होंगे वहाँ पे। तो अभी आप एक काम कीजिए, अभी आप कुछ दिनों तक जो है कोई भी असाइनमेंट ना दें, और अगर आपने असाइनमेंट दे भी दिया है कोई तो आपने सिर्फ अपना एक अटैम्प्ट दिया है, तो आपको दूसरा अटैम्प्ट मिलेगा, उसमें जो है आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने एक अटैम्प्ट दे दिया है तो आपको कुछ दिनों तक वेट करना है जब तक जो UoU की जो वेबसाइट है वो अच्छी तरह से जो है स्टार्ट होना जो है वो शुरू ना हो जाए। तो आपको मिस स्वाति आपको थोड़े दिनों तक वेट करना है जब तक UoU की जो साइट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वो सही तरीके से जो है सही तरीके से जो है काम करना शुरू ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है असाइनमेंट देने जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी ग्लिच होगा तो आपका जो असाइनमेंट है वो ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट हो जा रहा है। और इससे पहले भी जो एक स्टूडेंट है उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि उन्होंने जो है असाइनमेंट दिया और बीच में ही जो है उनका जो ऑटोमेटिक जो है असाइनमेंट सबमिट हो गया, तो अभी जो है उन्होंने दो टाइम जो है ट्राई कर दिया था, तो मे बी जो उनके दोनों अटैम्प्ट हैं वो वहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, तो अभी जो है उनको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। और एक बार वो जो है देख सकते हैं दोबारा जब UoU की जो साइट है वो सही तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद अगर वो ट्राई करें तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है अमन का, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि BA फर्स्ट ईयर के पेपर कब से स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको बता दूं मिस्टर अमन कि जो अभी जो है आपके असाइनमेंट हो रहे हैं, तो जैसे ही आपके असाइनमेंट ख़त्म हो जाएंगे उसके 10 या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के बाद आपके जो पेपर हैं वो भी स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अभी से जो है आपकी जो जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं उनकी जो है तैयारी करना शुरू कर देना है, और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके प्रीवियस आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं मैं उनके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए सॉल्व करके ले आऊँगा। तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मिस्टर अमन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है वो आया हुआ है यूजर करके इनका यूट्यूब का पेज है, तो इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि रेगुलर MAED 21 का जनवरी 2022 क्लिक में डिक्लेयर करा है, रिजल्ट अपने सितंबर 2022 में क्लिक करने में डिक्लेयर नहीं करा है। तो अभी उसमें मैंने आपको बताया है कि वो अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको सिर्फ ये बताया कि आप इस तरीके से जो है आपके जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो आपका जो सेशन है जो भी आपका सीज़न है, जैसे आप अगर आप समर सीज़न के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है समर वाला सेलेक्ट करना है, और अगर आप विंटर वाले हैं तो आपको विंटर वाला सेलेक्ट करना है, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट कमेंट आए हुए, तो जो जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है यहाँ पे एक आया हुआ है रिस्पेक्ट्स करके इनका पेज है, इन्होंने लिखा है कि क्या BA फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट चल रहा है अभी। तो हाँ भाई मैं आपको बता दूं कि जो BA फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने जो है आपको पता नहीं है कैसे आप असाइनमेंट दे सकते हैं, तो इससे पहले जो है मैंने यूट्यूब चैनल पे जो है असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। और सभी दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट सॉरी एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट जो कमेंट आया हुआ है वो आया हुआ है लर्निंग करके यूट्यूब पे इनका पेज है, इन्होंने कमेंट किया हुआ है हेलो सर बैक एग्ज़ाम कब होंगे प्लीज़ रिप्लाई। तो अभी तो जो आपके बैक एग्ज़ाम है उनके फॉर्म ही फिल हो रहे हैं,
तो जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ बैक एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उस टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ कमेंट्स जो कल की वीडियोस में आए हुए थे। तो अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज जो भी कमेंट आएंगे उनके जो आंसर है वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।